अरे भाई, हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि ये बन जाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि लोगों को दिक्कत होती है, फिर बड़ी संख्या में आते हैं, तो वही सोच करके और आ करके देख करके हमने तो कह दिया है। अब वहाँ पर नया बन रहा जान ही रहे हैं इसके पैरेलल, तो इसी के बीच का जो हिस्सा है इसी में एक इस तरह से करके ये जाएगा यहाँ से वहाँ, और भारी संख्या में लोगों को सुविधा होगी, तो इसलिए जगह के बारे में आ करके देख के हम लोगों ने कह दिया। और जो होता है शमशान का भी, तो उसके लिए भी संस्कार वाला अंतिम संस्कार, तो उसका भी रास्ता ठीक रहे ताकि लोगों को, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, खाली लोकल नहीं, मैंने पूरे कितने जगह के लोग आते हैं, कई जगह के लोग आते हैं, तो वो जाता आज कहे कि काम शुरू करने जा रहे हैं तो वही हम आ जाए, लेकिन हमारा है कि अगला साल जो शुरू होगा नवंबर में, उसके पहले अगर बन के तैयार हो जाएगा तो नवंबर में बन के क्या तैयार, नवंबर के कहने का मतलब है कि पिछली बार जो होता है जून तक ये काम पूरा कर एक साल सर, लेकिन 23 में ही एक साल सर 23 में ही अर्धकुंभ यहाँ पे 23 में ही अर्धकुंभ निर्धारित है, तो उसके पहले भी राज्य सरकार को समय पर लैंडस्केप का काम, वो तो सब अपना करते रहे, लेकिन हम लोग तो जो बनवा देंगे ना पूरा, तो सब कोई भी गाएगा उसको सुविधा जाती थी, शेप तो दिखने ही लगेगा उत्तराखंड के हर की पौड़ी की तरह, देखिए ना लोगों को बैठने का, कोई यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर उसको पूजा करने में सुविधा हो, कुछ खाने पीने की जगह हो जाए, और फिर सब लोगों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम रहेगा, बन जाएगा तो अगला साल देखिएगा बहुत अच्छा होगा, हम तो मेरी इच्छा बहुत है कि जल्दी हो जाए, तो लगे हुए सर 12 तारीख को आप एक बैठक बुला रहे हैं।